हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4 नंबर होगा, एक नंबर जो प्रश्न है आज हम उसको देखेंगे। तो आपका प्रश्नावली 4.2 का जो है आपका एक नंबर प्रश्न है, उसके ऊपर निकालना हमको क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि उल्लंघन विधि से हासिल करने के मूल ज्ञान, यानी जो विभाग संग्रह है उसको हमको क्या करना है, उल्लंघन विधि से मूल को ज्ञान करना है। तो मूल ज्ञान करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x²-3x-10=0, इसका किस तरह से हम मूल निकालेंगे उसको देखें। लेकिन हमको इसमें कंडीशन है कि क्या करना है, हमको उल्लंघन विधि से हमको क्या करना है, उसका मूल ज्ञात करना है। तो अब केवल हम क्या करेंगे, उल्लंघन विधि से निकालेंगे। यहाँ से सूत्र से हम उल्लंघन विधि से क्या करेंगे, इसका मूल का ज्ञात नहीं करेंगे, केवल हमको उल्लंघन विधि से निकालना है। तो आपका पहला प्रश्न दिया है आपका क्या, x²-3x-10=0, इसको हम क्या करेंगे, उल्लंघन विधि से हल करेंगे, यानी उल्लंघन विधि से हल करके x का मान निकालना। तो चलिए देखते हैं कि उल्लंघन विधि से किस तरह से हम समीकरण को हल करेंगे, उसका मूल किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए हमारा दिया हुआ है आपका एक प्रश्न है x²-3x-10=0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इधर गुणा करेंगे, आपका फर्स्ट वाले टर्म है x और लास्ट वाला टर्म है क्या, -10, यानी x²-10, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -10x²। अब देखिए यानी हम इसको गुणा किए तो आ गया कितना, -10x²। अब हमको क्या करना है, ये जो आपका बीच वाला जो टर्म है इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, ये यानी कि जोड़ करके या घटा करके आपको आना चाहिए कितना, -3x, और गुणा करके आना चाहिए क्या, -10x²। तो हम इसको किस तरह से तोड़ेंगे, अच्छा आप 10 का अगर आप भाज गुणनफल निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2×10 होगा, ये हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और अगर 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 आएगा। हमको चाहिए क्या, -3x, और यहाँ पे 5 में से अगर घटाएंगे तो प्लस जाएगा, और 2 में से घटाएंगे क्या होगा, माइनस आएगा। तो हमको क्या है, -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, x विकल्प में भी है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी x लगा देंगे और इसमें भी x लगा देंगे। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, -3x, यानी इसमें से घटाने पर भी हमारा -3x आ जा रहा है, और गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा, 2x को गुणा करेंगे -5x, और क्या आएगा, गुणा करने पर आ जाएगा -10x²। तो क्या हमारे ये दोनों कंडीशन को क्या करा है, पूर्ण करा है, यानी जो शर्त है उसको पूरा कर रहा है। तो हम क्या इसको रखेंगे, इसी को रखेंगे 2x, और क्या है -5x, इसको हम रखेंगे यहाँ पर रखिए x²-+2x और -5x -10=0। क्या कह रहे हैं, इसको इसको गुणा किए तो आया -10x², और बीच वाला को ऐसा तोड़ेंगे क्या होता है, यानी इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आया कितना -3x, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3x, और इसको इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा -10x², यानी दोनों कंडीशन को सब को पूरा कर रहा है। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से हमारा कॉमन क्या होगा, इस दोनों में से हमारा x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेने को क्या होगा, इसमें का ax बच गया, प्लस है तो प्लस, और इसमें से x कॉमन लेने तो बच गया। कॉमन पाने का मतलब है कि क्या है, जो दोनों में शामिल, देखिए इस दोनों में हमारा x शामिल है तो x को लिया तो क्या बच गया, x प्लस 2। अब इस दोनों में से कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन होगा, हमारा -5 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में x नहीं है, केवल x है आपका, केवल नहीं है, लेकिन 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, यानी 5 है इसमें, इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 को दो लिख सकते हैं, क्या होगा, -5 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x, और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, +5×10=0। तो हमको गुणनखंड में जब भी देखेंगे तो क्या होगा, हमारे गुणनखंड में आपका ये दोनों क्या होगा, बराबर आएगा, यानी x प्लस 2 और ये भी x प्लस 2, अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो क्या होगा, वो आपका गलत हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यानी ये वो कॉमन लिया है उसको लिख लेंगे, यानी x माइनस 5 और 1 लिख लेंगे x प्लस 2, यानी इस दोनों में से किसी को कोई लिख देना है बराबर 0 है तो 0। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको बारी बारी से 0 करेंगे, यानी बारी बारी से 0 करके तब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 5, और ये है हमारा क्या, x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या है, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम लास्ट में लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में 5 और ये हो जाएगा माइनस में 5। तो यही हमारा क्या हो, इस समीकरण का आंसर हो गया।
यानी ये जो संख्या है इस संख्या का हमारा जल्दी समझ जाएगा क्या एक का 5 हो जाएगा और एक माइनस 2 हो जाएगा ये x का मान हो गया यानी द्विघात संख्या का हमारा ये मूल हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है उसको हल करके देखते हैं कि उसका मूल हमारा यानी x का मान कितना आ रहा है। दूसरा प्रश्न जो है हमारा दिया है 2x2 इधर बनाते हैं दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6 = 0 इसको भी हम क्या करेंगे गुणनफल की सरल करेंगे क्योंकि हमको पहले ही कंडीशन दे दिया है क्या करना है गुणनफल विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x² गुणा करेंगे क्या -6 है तो गुणा करेंगे कितना आएगा -6 * 12x² अब हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे यानी इसका फैक्टर कितना होगा यानी -12 का फैक्टर आप क्या कर सकते हैं इसमें 12 है 12 का केवल फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा कितना एलसीएम में निकालना है 12 का 2 * 6 = 12 यानी 6 यानी अगर इस दो को हम एक साथ रखेंगे तो क्या लगेगा ये 2 * 4 हो जाएगा और ये 3 4 में से अगर 3 को हटाएंगे तो क्या होगा 1 आएगा और 3 में से 4 को हटाएंगे तो क्या होगा ये हमारा -1 आएगा। लेकिन यहां पे हमको क्या करना है इसको गुणा करके तो आ गया -12x² और बीच वाला को हमको ऐसा जोड़ना है कि क्या है जोड़ने पर या घटाने पर कितना बचेगा x का मतलब और गुणा करने पर आ गया -12x² तो बोलिए हम यहां पे क्या-क्या रखेंगे कि यहां वाला जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए x और गुणा करने पर क्या आ जाए। तो देखिए इसको हम क्या 12 को लिख सकते हैं 4 * 3 = 12 यानी 4 * 3 लिखेंगे तो 12 और 4x + 3x को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस में x आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप अपने मुंह पर कर सकते हैं तो क्या है 2x² + 3x - 6 = 0 4x + 3x को घटाएंगे तो प्लस में x आ जाएगा और इसको इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा -12x² ये हो गया। अब इस मूल को सब को मान लेते हैं देखिए यहां पे 2x² है और यहां पे 4 4x तो देखिए इसमें से हमारा 2 भी कॉमन होगा और दोनों में x भी है तो क्या होगा x भी कॉमन ले ली। अब इसमें से 2x और कॉमन ले तो बच गया क्या ये वो x बच गया प्लस है तो मतलब प्लस और देखिए इसमें से 2 भी लिया है 2 कॉमन लिया तो 4 में से 2 कॉमन लिख कीजिए तो क्या आएगा 4 * 2 * 4 और x ले लिया है तो x को तो मिला है इसमें से x ले लिया तो क्या होगा x + 2 हो गया। तो हम इसमें से कॉमन ले लिए तो इसको क्या होगा x + 2। अब इस दोनों में से कॉमन आता है इस दोनों में से क्या कॉमन आता है -3 होगा क्योंकि ये हो गया x है और ये हो गया x नहीं तो -3 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x और ये माइनस में है और हम माइनस से कॉमन लिए हैं तो क्या होगा चिन्ह इसका विपरीत हो जाएगा तो माइनस में तो क्या होगा +3 * 6 = 0। अब देखिए यहां हमारा क्या है दोनों बराबर है तो हमारा गुणनफल सही है। अब इसका हम लिख लेते हैं 2x - 3 एक हो जाएगा आपका 2x - 3 और एक हो जाएगा x + 2 = 0। अब इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे 0 पे बारी बारी से इसको 0 अब 2x - 3 = 0 2x = क्या रहता है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में प्लस 3 इसलिए x = क्या रहेगा 3 और ये गुणा में आ जाएगा बटा में 2 यानी 3/2 तो एक काम कर दिए। अब इसको करते हैं x + 2 = 0 इसलिए x = क्या हो जाएगा -2 तो लास्ट में लिखने में आता x = 3/2 और ये हो जाएगा -2 तो ये हो गया हमारा आंसर यानी इस समीकरण का मूल कितना है इस समीकरण का मूल आ गया x = 3/2 और -2। इस टाइप का क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर पूछता है हमेशा नंबर एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको देगा तो क्या हुआ इसका मूल निकालिए किस विधि से तो गुणनफल विधि से। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न यहां पर इसको किस तरह से हम करेंगे इसका मूल किस तरह से निकालेंगे गुणनफल विधि से उसको देखेंगे। इससे देखिए आपका रूट वाला है रूट वाला को ध्यान से देखिए इसको हम भी जानते हैं क्या होगा 2 हो जाएगा यानी √2 से करेंगे √4 और √4 का वर्गमूल क्या होगा 2 हो जाएगा।
स्क्वायर को x स्क्वायर यानी कितना रहेगा 5 * 10 x स्क्वायर। अब देखिए यानी आया हमको कितना गुणा करके 10 x स्क्वायर और बीच में हम कितना कितना रहा करके जोड़ेंगे आ जाए 7 x और गुणा करने पर क्या है 10 x स्क्वायर। इसको हम गुणा ना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 5 इसको इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यही लगता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं यानी √2x स्क्वायर और √2x क्या है √2x स्क्वायर और प्लस 2x यानी इस दोनों में से कॉमन आ रहा क्या है x तो हो गया और कुछ कॉमन ले लेते हैं और एक √2 को कॉमन ले लेते हैं √2 कॉमन लेंगे तो क्या √2x बराबर इन √2x और √2 कॉमन लेंगे इससे क्या बचा क्या x प्लस का चिन्ह तो प्लस। अब हम यहां पे ध्यान दें कि यहां पे क्या लिखा है x को तो कॉमन ले लिया बस गया 2 लेकिन इसमें से भी हम क्या किया है √2 को कॉमन लिया है तो हम क्या करेंगे यहां पे √2 लिख देंगे तो मतलब फिर इसको गुणा करेंगे तो 2 से √2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा तो ये कॉमन ले लिया। अब इस तरह प्लस है तो प्लस इसमें से हम 5 को कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा x और प्लस इसमें से 5 को ले लिया तो बच गया √2 बराबर 0। देखिए यहां ये भी दोनों बराबर आया गुणा करना पास सही है एक क्या हो जाएगा √2x + 5 √2x + 5 और एक हो जाएगा x + √2 बराबर 0। अब इसको बारी बारी से 0 करते हैं यानी √2x + 5 बराबर 0 तो √2x बराबर क्या हो जाएगा ये जाएगा उधर तो -5 और ये क्या होगा x से निकालेंगे तो -5 और बटा में √2 यानी x का मान निकालेंगे क्या आएगा -5 बटा √2 यानी इसको हम ये तो आया गया। अब इससे क्या करते हैं इसको हम करते हैं x प्लस √2 बराबर 0 इसलिए x का क्या आ जाएगा प्लस आया तो माइनस √2 तो लास्ट में लिख देंगे अब मूल बराबर -5 बटा √2 और -√2 तो यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर हो गया यानी इसका मूल निकाले तो इसका क्या हो गया ये समीकरण का मूल आ गया -5 बटा √2 और ये आ गया -√2 तो यही हो गया इसका आंसर। तो ये 3 नंबर प्रश्न है हमारा वाला तो ध्यान से देखिए कभी कभी रूट वाला दे देता है आपका एग्जाम में कभी कभी रूट वाला नहीं देगा कभी कभी दे देता है तो इसको देखिए। अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न पे यानी चौथा प्रश्न जो है बटा वाला अगर बटा वाला आता है तो उसको किस तरह से बनाएं उसको देखते हैं इसको भी ध्यान देते हैं। देखिए चौथा प्रश्न जो हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0 तो बटे वाले प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे ये एकदम आसान है इसको देखिए एकदम सिंपल तरीके से बनेगा जिस तरह आप भिन्न का जोड़ निकालते हैं भिन्न का जोड़ हल करते हैं या भिन्न का घटाव हल करते हैं उसी तरह इसको पहले हल कर लेंगे तो उसका गुणा कर लेंगे। तब देखिए ये बटा में है लेकिन ये तो बटा में नहीं है और ये भी बटा में है तो हम इसको भी बटा में बना देते हैं तो बटा में किस तरह से बनाएंगे कि x है तो इसमें बटा में 1 लगा देंगे तो x बटा 1 हो गया यानी किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है हमारा बटा हो गया है बटा में 1 छुपा हुआ होता है ये भी है तो इसको भी हम क्या करते हैं 1 लगा देते हैं तो ये भी बटा में हो गया ये भी बटा में हो गया ये भी बटा में हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 में एलसीएम और पहला और जोड़ का काटा बटा का जोड़ का और लेकिन 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 8 8 से गुणा करेंगे तो 8 होता है स्क्वायर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह 1 से भाग देंगे तो 8 8 से भी गुणा करेंगे तो 8x प्लस का है तो प्लस 8 से 8 में भाग देंगे तो 1 1 में गुणा करेंगे 1 से तो 1 बराबर 0। देखिए इधर बटा जाए तो इसको भी बटा कर देते हैं अब क्रॉस गुणा कर देते हैं इस सब को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा बराबर इसको 1 से 0 से गुणा करेंगे क्या होगा पूरा 0 0 कैसी संख्या है किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो पूरा उसको 0 कर देंगे। अब इसका हम जोड़ते हैं गुणनफल क्या होगा इसको गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर इसको कितना कितना से आप जोड़ सकते हैं क्या होगा 16 को हम क्या 4 गुणा 4 लिख सकते हैं 4 और 4 से गुणा करेंगे 16 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 लेकिन हमको चाहिए क्या माइनस है 8 तो हम क्या करते हैं दोनों में माइनस लगा देते हैं माइनस 4 का माइनस 4 क्या होगा माइनस 8 हमको x वाला चाहिए इसमें भी x लगा देंगे इसमें भी x लगा देंगे तो ये हमारा x हो गया। तो अब रख दीजिए इसको उठा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 ये एकदम सिंपल है इसको करना। अब इस दोनों में से कॉमन ले लो तो
क्या आ जाएगा ये 16 x स्क्वायर माइनस 4 x दोनों में से हमारा 4 x कम हो जाएगा क्योंकि 4 x दोनों में है जब 4 x कम हो गया तो बस क्या गया 4 छोटा 16 है एक x कम हो गया तो एक x बच गया माइनस का चिन्ह माइनस ये 4 x का पूरा कम हो गया तो क्या हो गया 1 यानी कितना हो 4 x कम हो गया तो 4 x माइनस 1 अब इसमें से कम हो जाएगा इसमें से हम क्या करते हैं माइनस 1 को कम हो लेते हैं तो माइनस 1 कम हो गया तो एक को 4 x से काट देंगे अब प्लस आया माइनस को कम हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0 चीज विपरीत हो गया उसका अब इसको 40 ये हो गया 40 माइनस 1 और ये हो गया 40 माइनस 1 बराबर 0 यानी ये को कॉमन बना लेंगे और ये दोनों में से देखो कोई अब इसको बारी बारी से करेंगे 40 माइनस 1 बराबर 0 40 बराबर क्या आ गया ये जाएगा तो क्या माइनस है तो प्लस हो गया इसलिए x निकालने में क्या आ गया 1/4 ये वही निकाल के हम इसको और करते हैं 40 माइनस 1 बराबर 0 40 बराबर प्लस 1 माइनस 1 प्लस इसलिए x बराबर 1/4 लास्ट में देखते हैं अब मूल बराबर क्या हो गया 1/4 1/4 तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया यानी इस समीकरण का मूल निकालने बटा वाला का क्या हो गया 1/4 और 1/4 तो ये हो गया आंसर तो ये बटा वाला किस तरह से बनाएंगे इसको समझ गए अब चलते हैं पांच नंबर यानी पांच नंबर का प्रश्न उसको किस तरह से हल करेंगे उसको देखते हैं इसको भी निकाल देते हैं चलिए पांच नंबर का प्रश्न है उसको देखते हैं पांच नंबर का प्रश्न है 100x² - 20x + 1 = 0 इसको भी हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुणा करेंगे तो 100x² को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100x² ही रहेगा इसको तोड़ेंगे कितना कितना का 10 10 तोड़ सकते हैं यानी 10 10 को गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा हमको चाहिए क्या -20 से इस दोनों में माइनस आ जाता है क्या आ जाएगा -10x का -10x जोड़ेंगे तो -20x हो जाएगा अब फिर इसको इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा -10x गुणा करेंगे -10x तो क्या हो जाएगा 100x इस बार अब परे हो जाएगा माइनस से माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है प्लस हो जाएगा तो तोड़ते हैं इसको तो क्या होगा 100x इस बार और यहां देख सकते हैं -10x -10x प्लस 1 बराबर 0 अब कॉमन लेते हैं 100x इस बार और यहां क्या है -10x तो क्या करेंगे 10x कॉमन हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा इसमें से 10 कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा 10 बराबर कैसे है एक वो एक्स कॉमन लिया तो बच गया एक वो माइनस का किया तो माइनस पूरा 10x यहां कॉमन हो गया बच गया क्या 1 इनटू इसमें से क्या कॉमन लीजिए -1 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 10x और माइनस कॉमन लिया तो प्लस है तो -1 बराबर जीरो देखिए हमारा दोनों बराबर है गुणनफल सही देख सकते हो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 और ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर इस दोनों में से किसी एक एक को ही लिखना है अब बारी बारी से जीरो करेंगे यानी 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर कितना 1 इसलिए x बराबर 1/10 यानी एक और निकालिए x का दूसरा निकालते हैं दूसरा 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर क्या है प्लस 1 इसलिए x बराबर 1/10 यानी x का मान यहां भी बस आया और यहां भी बस आया लास्ट में कितने का पता मूल बराबर समीकरण का मूल बराबर 1/10 1/10 तो यही क्या हो गया आंसर यानी एक नंबर का चैप्टर प्रश्न में 4 2 का जो एक नंबर प्रश्न है उसका